सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी टाटा मोटर्स को लेकर। टाटा मोटर में आप लोग देखोगे आज हमें लगभग 1.5% के करीब गिरावट देखने को मिल रही है। 7.5 मिलियन वॉल्यूम के साथ जो शेयर है वो 1138 रुपये के भाव में आया हुआ है। तो इस शेयर में आखिरकार गिरावट के पीछे का रीजन क्या, तो आज के दिन आपको बताओगे अभी बहुत बड़ा दिन। और आज जो अभी कंपनी की तरफ से अपडेट आया है जी, आज आप लोग देखो क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट्स भी हैं। तो इससे पहले कंपनी ने एक और बड़ी जो है रिपोर्ट दी, तो चलिए वो सबसे पहले हम देख लेते हैं आखिरकार क्या अपडेट है, उसके बाद डिस्कस करेंगे इसके रिजल्ट्स को लेकर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी कंपनी की तरफ से ये नोटिस पब्लिश किया गया, अभी अभी न्यूज आई है। एनएससी बीएससी के साइट पर आप लोग इसका चेकआउट जाकर कर सकते हो भाई। तो यहाँ पर कंपनी ने प्रेस रिलीज में बताया टाटा मोटर्स मंथली सेल्स जुलाई 2024, तो जुलाई मंथ के जो सेल्स हैं वो यहाँ पर कंपनी ने डिस्कस किया है, जिसकी वजह से स्टॉक में ही हमें दबाव देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी प्रेस रिलीज में कंपनी ने क्या बताया, इसकी जो टोटल पीवी सेल्स है ठीक है वो आप लोग देखोगे लगभग 44,954 यूनिट्स रही है, जो कि टूटी है 6% ईयर टू ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर के सेम मंथ में आप लोग देखोगे और अब के बार का जो मंथ है इसमें आप लोग देखोगे इसकी जो सेल्स है ठीक है पैसेंजर व्हीकल्स की वो 6% डाउन गई है। कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स की अगर बात करें तो 97,042 यूनिट्स रही है, जो कि 18% डाउन है भाई ठीक है। तो ये एक नेगेटिव संकेत आया है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो कमर्शियल व्हीकल जो पीवी और जो सीवी सेल्स है वो कंपनी ने डिस्क्लोज किया जुलाई मंथ का आंकड़ा। यहाँ पर आप लोग देखोगे टोटल डोमेस्टिक सेल्स की अगर बात की जाए तो 70,161 यूनिट्स रही है, जो जुलाई 2023 में 78,844 यूनिट्स थी, 11% डाउन गया है भैया टोटल ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये आंकड़े देखने को मिल जाएंगे भी जो HCV ट्रक्स हो गए इनके आंकड़े यहाँ पर आपको देखने मिले लगभग माइनस में गया है अभी सारा डाटा। ये डोमेस्टिक CV आप लोग देखोगे ये उस लगभग 19% डाउन है ठीक है। टोटल CV आप लोग 18% डाउन रहा है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे भी इसके जो PV सेल्स है वो क्या पैसेंजर व्हीकल्स की है वो आप लोग देखोगे 6% डाउन गई है ठीक है। इसके अंदर आपको जो ये PV के अंदर जो EV का जो सेल्स देखने को मिले, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ये आपको 21% डाउन जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आंकड़े आए हैं सामने भी, इन आंकड़ों के बाद जो शेयर है वो डाउन गया। तो रिजल्ट से पहले आप लोग देखोगे कंपनी ने जुलाई मंथ के जो आंकड़े वो पब्लिश किए, जिसकी वजह से स्टॉक के ऊपर हमें दबाव देखने को मिल रहा है। रिजल्ट अभी बाकी है, रिजल्ट अब तक तो आए नहीं है भाई, जैसे ही रिजल्ट आ जाएंगे सबसे पहले आपको अपडेट हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इसके रिजल्ट आने की संभावना आप लोग देखोगे भी 1 बजे से लेकर 2 बजे के आसपास की है, तो जैसे रिजल्ट आएंगे सबसे पहले आपको बता दिया जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हो। तो चलिए अब इसका चार्ट देख लेते हैं, सपोर्ट वगैरह क्या लेके चले रिजल्ट से पहले। अगर रिजल्ट्स भी खराब आए तो उस कंडीशन में स्टॉक में हमें एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है आज ही के दिन। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी टाटा मोटर्स का जो हमारा टारगेट थे स्टॉक ने वो यहाँ पर अचीव किए भी ठीक है। रिजल्ट से पहले हमने इसके ऊपर लेवल्स निकाले थे, वहाँ पर 1123 रुपये का हमारा टारगेट था वो यहाँ पर आया, लेकिन अभी टाइम आप लोग स्टॉक में ये 1123 का सपोर्ट का काम करेगा भाई। स्टॉक में ये जैसे आंकड़े आए उसके बाद स्टॉक डाउन आया ना, तो अभी टाइम 1123 रुपये का सपोर्ट बहुत ज़्यादा अहम रहेगा इस लेवल के ऊपर, तो ये सपोर्ट लेके चलिए। रिजल्ट से पहले रिजल्ट अगर खराब आते हैं उस कंडीशन में अगर स्टॉक टूटा तो हमारा SL इस लेवल पर हिट हो जाएगा, और रिजल्ट खराब आते तो स्टॉक फिर से 1000 के आसपास आएगा भी, 1000 के आसपास स्टॉक फिर से आएगा अगर रिजल्ट खराब आते उस कंडीशन में। और पीछे की सेल्स वगैरह आपने देखी होगी EV वगैरह उनके सेल्स भी डाउन गई थी, इसलिए थोड़ा सा रिजल्ट्स हमारा जो ना भी पीक पॉइंट पर रहेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सपोर्ट बहुत ज़्यादा अहम जो ना भी रहेगी इस लेवल के ऊपर। तो 1123 का सपोर्ट पकड़ के चलना ठीक है, और बाकी आपकी मर्जी है भाई आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।